नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ लगभग पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी का भगवा फहरा गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत से जहां बीजेपी को 2024 की राह आसान लगने लगी है, वहीं विपक्ष के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर की कांग्रेस के लिए। तीन राज्यों में मिली हार के बाद जहां इंडी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सियासी राज्य में भी उसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। यूपी की 80 सीटों के महत्व को समझते हुए जनाधार वापस पाने के लिए अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज भी शिरकत कर सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही विपक्षी गठबंधन में असमंजस दिखाई दे रहा था। अब पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने भी विपक्षी एकता की कलाई खोल कर रख दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का असर जहां गठबंधन पर पड़ने की उम्मीद है, वहीं खुद कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तो पहले से ही सीटों को लेकर गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, अब तीन राज्यों की हार ने दबाव और बढ़ा दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। सपा जहां कांग्रेस को 80 में से 2 से अधिक सीट देने के पक्ष में नहीं है, वहीं कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। पहले चरण में ये यात्रा सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर से शुरू होकर सीतापुर के नैमिषारण्य तक जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, जो किसानों के ऊपर अत्याचार सरकार कर रही है उसके खिलाफ, और जो तानाशाही उसके खिलाफ ये यात्रा है। ये यात्रा इस प्रदेश में परिवर्तन लाएगी, परिवर्तन यात्रा है। 2024 में प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। हमारा इंडिया गठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, उसकी तानाशाही को हराकर केंद्र सरकार से बाहर कर, उसमें हम लोगों ने, ये सभी लोगों ने निर्णय किया है कि एक पश्चिम से हम यात्रा शुरू करेंगे, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ रहेगी, साथ चलेगी, और वो हम सब लोग सहारनपुर से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पूरे करीब 25 दिन और एक महीने की यात्रा लगभग होगी, जो सीतापुर तक वो यात्रा आएगी, नैमिषारण्य तक। करीब एक महीने तक चलने वाली इस परिवर्तन यात्रा में राहुल और प्रियंका के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नगर नगर, गांव गांव तक पहुंचेंगे और कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। पार्टी लोगों के बीच जाकर उन्हें बीजेपी सरकार की गलत नीतियों और नियत के बारे में बताएगी, साथ ही कांग्रेस का एजेंडा उनके सामने रखेगी। कांग्रेस जहां अपनी इस यात्रा को लेकर उत्साह से लबरेज है, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। सपा ने कहा कि कांग्रेस के गलत फैसले से विपक्षी गठबंधन को लेकर लोगों के अंदर गलत संदेश गया है। एक तरफ जहां गठबंधन में साथ होने के बाद भी सपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने पूरे गठबंधन पर ही निशाना साधा है। देखिए, पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद आज भारतीय जनता पार्टी वो समय से पहले लोकसभा चुनाव चाहती है। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण केवल तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है, जो इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश पूरे देश में गया था वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा, और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहती। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा
यात्रा सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर से निकलकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर के नैमिषारण्य में समाप्त होगी। पार्टी का मानना है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भले ही सत्ता उससे दूर रही, लेकिन वोट बैंक कम नहीं हुआ, लिहाजा हताश होने की जगह नई ऊर्जा के साथ तैयारी की जरूरत है। जन समस्याओं को लेकर होने वाली परिवर्तन यात्रा न सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी, बल्कि बीजेपी सरकार की पोल भी लोगों के बीच खोलने का कार्य करेगी। लखनऊ से एपीएन न्यूज के लिए आनंद सिंह की रिपोर्ट। तो आज इसी पूरे विशेष मुद्दे पर हम बात करेंगे पक्ष विपक्ष में। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए आपका उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश यादव जी मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता अली मुर्तजा जी मौजूद हैं। अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मेरा सवाल सबसे पहले प्रदीप जी आपसे है, जिस प्रकार से कांग्रेस की यात्रा अचानक से उभर कर आई है 4 राज्यों में शिकस्त के बाद, इस यात्रा को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जो आधार कांग्रेस का खत्म हो चुका है उत्तर भारत से, जब राहुल जी कहते हैं कि यहाँ के वोटर ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ की बिरयानी ज्यादा अच्छी है जी, तो वो देखिए एक खामियाजा था उनका। उन्होंने बहुत सारी तुलना की, लेकिन चूंकि अब भारतवासी है, संपूर्ण भारत एक है हमारे लिए, तो मैं उस पर और ज्यादा जोर डाल करके और प्रकाश डाल के उसको घाव को और मैं हरा नहीं करना चाहूंगा। ये कांग्रेस की एक बौखलाहट है, यात्रा से जो है अपनी पाला जैसे नहीं कबड्डी में पाला छू के चले आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई सामूहिक कार्य होता है या जहां पे थोड़ी मेहनत करनी होती है वहां जाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, चले आते हैं, तो कांग्रेस वही करने जा रही है। इनका जन्म में जो आधार है, खासकर के उत्तर प्रदेश में जो आधार, वो समाप्त प्राय है। समाप्त प्राय क्या है? समाप्त हो चुका है। अब उस बचे हुए आधार को देखिए क्या होता है ना, कि जब गेहूं की फसल कट जाती है ना, तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर पानी आता है। अगर हम लोग धान बोना चाहें तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसमें जो है हो पाता है, जो किसान समझ सकता है, जो एसी में पैदा हुआ एसी में रहता हूँ वो ये बात नहीं समझ आएगी। तो कांग्रेस की स्थिति वही है। अब आप खोए हुए आधार को तलाशने के लिए जो है कार्यकर्ताओं पर बोझ डाल रहे, जो बचत चुके हैं उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, और इससे इससे किसी की सेहत पर फर्क भी नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, जहां तक अभी कोई समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, जो मैंने रिपोर्ट सुनी, क्योंकि तस्वीर तो आ नहीं रही मेरे पास, तो जो मैंने सुना उस पर मैं कह सकता हूं कि जो मध्य प्रदेश में जो अपमान हुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, वो सम्मान क्या कार्यकर्ता भूल पाएंगे? जो वो अपमान क्या कार्यकर्ता भूल पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता भूलेगा। और आने वाला समय इसको ये जो यात्रा की है, इसकी सफलता असफलता इसकी स्थिति बयां करेगी कि असल में इनकी गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। सीधी साफ सपाट बात है जी। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, जिस प्रकार से यात्रा की शुरुआत मंदिर से ही की जा रही है और समापन भी मंदिर पे किया जा रहा है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अब एजेंडा बदल रहा है आपका भी? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करती है जी, कांग्रेस पार्टी तो सभी धर्मों में, सभी लोगों में, सभी देश के जितने भी देश के सदस्य हैं सभी में आस्था है। ये और देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी सदैव देश को जोड़ने की राजनीति करती है। जहाँ तक ये 5 राज्यों का सवाल है जी, तो आप देखिए ये बात सत्य है कि हम जो है विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और हमें एक ही राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला। तो देखिए, जो विधानसभा में 5 राज्यों में जोड़ेंगे तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिला है, वोट जो है 10 लाख ज्यादा मिला है। कांग्रेस पार्टी का वोट गिरा नहीं है जी, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 राज्यों में शिकस्त को आप अच्छा चुनाव मानते हैं राजेश जी? देखिए मैडम, ये सत्य है कि हम विधानसभा में हमारे MLA आए नहीं, लेकिन हम ये देखिए ना, 10 लाख वोट जो है हमें भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिला है ना, तो आप उस वोट ज्यादा में खुश हैं सर या सरकार बनाने में? जी है जी, राजेश जी, वोट ज्यादा मिलने से ही महज कांग्रेस पार्टी खुश हो गई क्या? सरकार बनाने से मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी को? खुश नहीं हो गए। देखिए, हार जीत का निर्णय तो जब MLA ज्यादा चुन के आते हैं उसी सरकार की बनती है जी,
सत्ता उसी में आती है, लेकिन हमें लोगों ने पसंद बहुत किया है। हम ये कहना चाहते हैं 10 लाख भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख लोगों ने ज्यादा हमें पसंद किया है, पसंद किया लेकिन वोट नहीं दिया। लोकतंत्र में जो गिनती होती है वो वोटों की होती है ना, ये बात ठीक है, सत्य है कि लोकतंत्र में गिनती जो है वोट की होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपके 23 सांसद जो मिनिस्टर भी थे, वो 23 सांसद चुनाव लड़ रहे थे जिनमें मिनिस्टर भी थे केंद्र के, आप उसमें से 11 हार गए। इसका मतलब ये जाता है कि लोग आपको लोकसभा में पसंद नहीं कर रहे हैं। वो सैनिकों को उतारता है जिसके पास तुर्क के पत्ते सांसद उतारता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या उतारेगा। आपके पास नहीं थे नहीं उतारे, होता दम तो उतारते, नहीं थे नहीं उतारे, हमारे पास थे हमने उतारे। आप जीते हुए सांसद एमएलए का चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसका मतलब ये उदाहरण है कि आपके लोगों ने क्षेत्र में काम नहीं किया है। लेकिन राजेश जी, सरकार तो उन्होंने ही बना ली ना, तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि जिस भीड़ को आप अपने पीछे लेकर भारत जोड़ो में चल रहे थे, उसको आप वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाए। ये सत्य है, सरकार इन्होंने बना ली, लेकिन ये भी सत्य है कि इनसे 10 लाख ज्यादा लोगों ने हमें पसंद किया है। चलिए, हमारे साथ अली जी भी मौजूद है। अली जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, मध्य प्रदेश में साफ तौर पर कांग्रेस ने आपको मना कर दिया कि सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं होगी, तो क्या अब लोकसभा चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेंगे? देखिए, गठबंधन जो होता है वो सभी दलों का होता है और सभी मुद्दों पर गठबंधन होता है, और अगर हम गठबंधन करने के बावजूद अगर आप सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो हार का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और ये जो एनडीए है, मोदी जी हैं, वो इसी का फायदा वो उठा रहे हैं जी। एक तरफ तो कांग्रेस जो वो सही सम्मान जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको सम्मान नहीं दे रही है, उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। देखिए, हार जो हुई है, ठीक है, मान लिया कि वोट ज्यादा हैं, तो मेरे इसमें दो अपने तर्क हैं जो मैंने अपने महसूस किए हैं, मैं देख रहा हूँ जिन पर मैंने एनालिसिस किया है जी। जो एनडीए है और जो कांग्रेस है, ये एक सॉफ्ट जो हिंदू है उसकी पॉलिटिक्स कर रही है, एक कट्टर हिंदू की पॉलिटिक्स कर रही है जी। तो जो सॉफ्ट हिंदू है, जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो बेसिकली सारे के सारे सॉफ्ट हिंदू की ही राजनीति करते हैं, तो कांग्रेस जो है उनका धीरे धीरे जो वोट है वो खा रही है, इसीलिए वो वोट सीटें नहीं दे रही है। और कांग्रेस या तो ये चाहती है कि मैं बनूं या बीजेपी रहे, इसलिए ये नहीं चाहते कि कुछ क्षेत्रीय दल उभर के आगे आए जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सपा उभर कर आए, कांग्रेस चाहती है या तो सत्ता में वो रहे या बीजेपी रहे। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहती कि वो कि कुछ क्षेत्रीय दल आगे उभर के आए, इसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी क्या कर रही है, मैंने जो देखा है कि ये बैलेट से जो वोट डलवा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम के साथ साथ बैलेट ने भी हराया है। उसकी वजह ये है कि किसी भी यहाँ विधानसभा में देख लीजिए, 300, 350, 400 बूथ, 450 बूथ होते हैं, एक बूथ पे मैक्सिमम 5 लोग काम करते हैं, तो अगर 400 बूथ भी हैं और 5 लोग काम कर रहे हैं तो 2000 वोट डलती है मैक्सिमम कर्मचारियों की जी। और यहाँ जो है फर्जीवाड़ा क्या चल रहा है कि जो विकलांग है, जो वृद्ध है, उनकी वोट घर से बीएलओ डलवा के ले जा रहे हैं, ये इस तरह का एक फर्जीवाड़ा है जो अभी जिससे आपकी निगाह नहीं जा रही है, जबकि कोई बीएलओ सिंगल वोट नहीं डलवा रहा है, ये सब बीजेपी के जो एजेंट हैं वो ही डाल रहे हैं, जो ये जो प्रशासन है वो मदद कर रहा है 10-12। अली जी, देखिए, बात घुमा फिरा के वहीं आ गई, मुझे अभी तक आपकी बात सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या आप लोग सीट शेयरिंग करेंगे उत्तर प्रदेश में या नहीं? देखिए, ये चीजें समय बताएगा, हालात बताएंगे कि क्या हम करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत लंबा समय है, अभी कहना जल्दबाजी है जी। अगर राहुल जी सम्मानजनक बात करेंगे तो शेयरिंग करेंगे, नहीं करेंगे तो हम अपना पीडीए पे हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा अपना दल हमारा अपना मजबूत है, क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी यूपी के अंदर हमें जी। और अगर प्रशासन ने हमें नहीं हराया होता तो सरकार हमारी होती जी। मेरा सवाल आपसे कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश में जनाधार जो है वो नजर नहीं आ रहा है, जनाधार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये सत्य है कि जनाधार कम हुआ है जी, और पिछले लोकसभा की बात कर रहे हैं आप और विधानसभा की, लेकिन हमारा क्या है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये भी सत्य है।
लेकिन सर लोकसभा जिसके लिए आपने गठबंधन बनाया वो गठबंधन अब दरकता नजर आ रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में तो आप लोग आ गए लेकिन अब गठबंधन नहीं नजर आ रहा है। नहीं नहीं मैडम, गठबंधन में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है और ये जो है अफवाहें चलाई जा रही हैं कि गठबंधन में कोई दरार है गठबंधन में इस तरह के। और क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे जी और जो मध्य प्रदेश की सीटों के जो हमारा और समाजवादी पार्टी से जो विधानसभा के अंदर जो वोट शेयरिंग का सीट शेयरिंग का कोई जो वो नहीं था जी, ये जो गठबंधन बना है ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए अगर लोकसभा के लिए बनना था सर तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं बना। और आप कह रहे हैं कि मतभेद या मनभेद नहीं है लेकिन कमलनाथ ने तो बोल दिया था कि कौन है अखिलेश व अखिलेश, वहीं अखिलेश यादव भी हर जनसभा में कांग्रेस पे हमलावर होते नजर आए, भ्रष्टाचारी बताते नजर आए। देखिए जी किस मूड में वो बोल गए कैसे बोल गए ऐसे शब्दों का राजनीति में और साथी लोगों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत सीनियर हैं जी और किस तरह से वो ए, 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 बोल गए इस बात का कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं करती है। राजेश जी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे आपकी बात का। देखिए स्पष्ट जवाब यही है जी, आप देखना इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है और इंडिया गठबंधन में जो चलिए अली अली जी से भी सवाल ले लेते हैं। अली जी इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है लेकिन इंडिया गठबंधन तो दरकता नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का जनाधार ही नहीं नजर आ रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि जो कांग्रेस का जनाधार वो यूपी में नहीं है, समाजवादी का ही जनाधार है। बसपा जो है वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करती है और इसके अलावा कोई विकल्प, समाजवादी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समस्या ये रहती है कि अगर हम इनको शीटिंग फॉर्मूले पे देखिए, अभी मैं वही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ कहना क्योंकि अभी बहुत। लेकिन सर अखिलेश यादव के तेवर तो नजर आ गए थे ना विधानसभा में, उन्होंने कह दिया था कि अगर विधानसभा चुनाव में हमारे साथ सीट शेयरिंग नहीं हो रही तो लोकसभा में हम भी उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे। तो क्या अब गठबंधन सक्रिय रह पाएगा, क्या लोकसभा आप लोग साथ में लड़ेंगे चुनाव? देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी जी, अभी अतिशोक्ति होगी कि मैं अभी कह दूं कि अभी ऐसा नहीं होगा। देखिए समय और परिस्थितियां तय करती हैं क्योंकि अभी कांग्रेस को लग रहा था कि हम बड़े भाई हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े भाई समाजवादी है जी। हम बड़े भाई हैं, अब हम तय करेंगे कि हमें कितनी सीट देनी है। कांग्रेस तय नहीं करेगी जी, समाजवादी तय करेगी क्योंकि समाजवादी का जनाधार है। प्रदीप जी देखिये सबसे बड़ा गठबंधन बनाया गया आप लोगों के खिलाफ और अब गठबंधन ही सक्रिय नहीं नजर आ रहा और आप लोगों पे लगातार विपक्ष आरोप लगाता था हिंदुत्व की राजनीति करने का लेकिन अब कांग्रेस भी वही एजेंडा अपना रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं भारतीय राजनीति में जो कि फॉर एवर चलते रहते हैं, तो विरोधियों के पास जब कोई अवसर नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों को किसी प्रकार से चित करने का, तो एक ये मौका ऐसा आ जाता है कि इस पे ले दबा करके पूरा दम लगा करके सातों पीढ़ियां पीछे और सातों आने वाली सभी पीढ़ियों का दम लगा करके बस एक ही आरोप लगा दिया जाता है। अब आप देखिए आपके प्रश्न का उत्तर आपके ही प्रश्न मतलब आपके सवाल का उत्तर आपके प्रश्न में ही दिख रहा है सीधे सीधे से। अब देखिए दोनों मित्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी जो है क्या कभी कांग्रेस उसको बार्गेन करने का अवसर देगी? जबकि समाजवादी पार्टी की स्थिति कम से कम कांग्रेस से तो अच्छी ही है उत्तर प्रदेश में, वो विपक्षी दल है उनके सांसद है और कांग्रेस का क्या अस्तित्व हो गया? किसी जमाने में किसी समय में एक वो समय हुआ करता था कि कांग्रेस का जो है जनाधार उत्तर प्रदेश में गली गली कोने कोने में होता था, वो जितना ज्यादा होता था आज उसकी दो गुना ज्यादा उतना ही कम हो चुका है। तो ये जो इंडी गठबंधन है ये अवसरवादिता का गठबंधन है, सरकार को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को आप कोई भी अवसर छोड़ेंगे नहीं गाली देने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और भारत देश के वासियों में आपस में लड़ाने के लिए। कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती थी कि ये हमारी चर्चा शुरू हुई थी यात्रा को लेकर के, अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस का दोहरा चित्र यात्रा में ही आ जाएगा। कभी आप डीएनए पे गाली दे देते हैं, आपके नए मुख्यमंत्री इन्होंने डीएनए पे गाली दे दी, फिर राहुल जी नौ देशों की यात्रा पे निकल गए है ना, पूरा इधर लीपोत के चौका कर दिया उसके बाद घूमने निकल गए। नहीं तो सर यात्रा तो कैंसिल कर दी सर,
यात्रा कैंसिल कर दी। प्रदीप जी ओके, मुझे नहीं पता था, क्षमा चाहूंगा कि मैंने गलत कोट किया, मैं आपसे और पूरे दर्शकों से माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप देखिए कि जब टीम का कैप्टन ही चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगा तो टीम कहाँ से परफॉर्म करेगी। अब अगर आपके उत्तर को मैं दूं जो आपने प्रश्न किया था, तो कांग्रेस पावर की बार्गेन करने की जो स्थिति पहले थी अब वो नहीं है। अब क्षेत्रीय दल भी अपने हक की मांग करेंगे और जब वहां पे सीट देने की बात आएगी और उसका बात नहीं बनेगी तो फिर यही कहा जाएगा 24 के चुनाव के बाद कि विपक्ष एक ना हो पाया, जबकि देश का वोटर जानता है कि उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। परमाधानी मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता जानती है, दो आम चुनाव इसके उदाहरण है। और चूंकि हमारा देश एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव अपनी अपनी अलग अलग बातें और कहानियां कहते हैं। तो विधानसभाओं के जो परिणाम आए वो और पिछली लोकसभा के जो परिणाम आए वो, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपका आकलन एकदम से सही आएगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक हम मारने जा रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत और चर्चा करने के लिए। फिलहाल पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।